तो दोस्तों अगर आपके भी यूरिन में जो है ब्लड आ जा रहा है तो फ्रेंड्स इसका क्या कारण है और क्या ट्रीटमेंट है, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके यूरिन में पेशाब करने के दौरान ब्लड आ रहा है, थोड़ा आ रहा है या फिर थक्का जम करके आ रहा है तो उसका क्या कारण है। तो फ्रेंड्स कारण बहुत सारा है। कारण की अगर हम बात करें तो यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपको यूटीआई स्टोन हो सकता है, आपके यूरिन के रास्ते में स्टोन वगैरह जब आ जाता है तब ब्लडिंग आ सकती है। साथ ही साथ जब किडनी स्टोन, जब आपके किडनी में स्टोन वगैरह होता है, साथ ही साथ फ्रेंड जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है अगर वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है उसका साइज, तब पर भी जो है पेशाब के रास्ते ब्लड आ सकता है, या फिर आपके पेनिस पे जो है फिजिकल रूप से जो है चोट लगा हो गिरने के दौरान, या फिर किसी भी माध्यम से अगर वहां पे चोट लगा हो, जख्म है, तब वहां पे ब्लडिंग वगैरह आ सकता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर कुछ गंभीर बीमारी की बात करें, जैसे यूटीआई कैंसर हो जाए, या फिर यूटीआई ट्यूमर वगैरह हो जाता है, या यूटीआई का टीबी हो जाए, तब जो है ब्लडिंग आता है। तो फ्रेंड्स जो आपके पेशाब नली में जो ब्लडिंग आ रहा है, यूरिन करने के रास्ते में यूरिन करते हैं तब जो ब्लडिंग आ रहा है उसका बहुत कारण हो सकता है, ठीक है। ये सब तो मैंने आपको कुछ ही बताया। अब हम जानते हैं कि क्या डायग्नोसिस है, कौन कौन से टेस्ट हैं, हमें कैसे मालूम होगा कि किस वजह से ये ब्लड आ रहा है। तो उसके लिए हमें टेस्ट करवाना पड़ेगा, उस टेस्ट से ही हमें मालूम होगा कि ये जो ब्लड है वो कैसे आ रहा है। इंट्रावेनस प्रेगुलम का टेस्ट होता है, यूएसजी का टेस्ट, यूएसजी टेस्ट होता है, साथ ही साथ जो है एक्सरे कब का टेस्ट होता है, और ब्लड टेस्ट वगैरह भी इसमें शामिल है। तो इन सभी टेस्ट से आपको मालूम हो जाएगा कि आपके जो यूरिन के रास्ते में जो ब्लड आ रहा है वो किस कारण के वजह से आ रहा है। फ्रेंड्स आइए कुछ सिम्टम के बारे में बात करते हैं कि जब हमारे यूरिन के रास्ते ब्लड आएगा तो हमें क्या सिम्टम्स होगा, हमें क्या महसूस होगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो यूरिन के साथ जो है हल्का जो है ब्लड आ रहा है, या फिर थक्का बन के आ रहा है, या फिर आपके जो यूरिन है उसका कलर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, ये सभी जो है कारण, ये सभी जो सिम्टम है। साथ साथ अगर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, या फिर फ्रेंड्स आपको यूरिन करने में दिक्कत हो रही है, जब आप यूरिन करते हो तो बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, यानी जलन होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको बार बार पेशाब लगता है और आपका बीपी भी बढ़ा है। तो फ्रेंड्स ये सभी अगर सिम्टम आपको शो हो रहा है तो आपको तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करना है, कंसल्ट करना है। फ्रेंड्स अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ इंजेक्शन है जो डॉक्टर लगाते हैं, जैसे कि इथामसाइलेट का जो इंजेक्शन आता है, या फिर ट्रांसमिक एसिड इंजेक्शन जो आता है वो जो है ब्लड को रोकता है, जो ब्लड यूरिन के रास्ते बहुत ज्यादा निकल रहा है उसको कम करता है। मतलब अगर डॉक्टर के पास आप गए, ठीक है, और आपका जो है ब्लडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले जो है ये दो इंजेक्शन ही यूज करते हैं वो, ताकि ब्लड जो है रुक जाए या ब्लड निकलना कम हो जाए। और फ्रेंड्स अगर आपके यूरिन के रास्ते ब्लड थोड़ा सा आ रहा है, यानी बहुत कम आ रहा है, तब डॉक्टर जो है आपको टेस्ट वगैरह करवाते हैं, और टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट के अनुसार जो भी रिजल्ट आता है टेस्ट में कि किस कारण से ब्लडिंग हो रहा है, उस पर ये दवाई डॉक्टर देते हैं। अगर हम सामान्य ट्रीटमेंट की बात करें फ्रेंड, जनरल ट्रीटमेंट की, कि अगर थोड़ा बहुत ब्लड आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो देखिए फ्रेंड्स अगर किसी को थोड़ा बहुत ब्लड आता है तो जो मैंने आपको इंजेक्शन बताया उसका टैबलेट भी आता है, इथामसाइड और ट्रांसमिक एसिड का जो है टैबलेट भी आता है। तो ये दोनों का जो है डॉक्टर आपको पहले टैबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे, आप टैबलेट खाइए, ये दोनों टैबलेट जो है आपके ब्लड जो यूरिन के रास्ते जो ब्लड आ रहा है उसको रोकेगा, साथ ही साथ उसको कम करेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स डॉक्टर आपको एक एंटीबायोटिक देगा जिसका नाम है नोराफ्लोक्सासिन। नोराफ्लोक्सासिन को फ्रेंड्स यूनरी एंटीबायोटिक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मार्केट में नोराफ्लॉक 400 के नाम से उपलब्ध है। ये यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में आपके यूटीआई का जो भी इन्फेक्शन है, इंफ्लामेशन है, वायरस बैक्टीरिया के कारण कुछ भी यूटीआई में इन्फेक्शन वगैरह है, तो ये एंटीबायोटिक उसे ठीक करने का काम करेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आपके
यूटीआई मतलब यूरिन से ब्लड आएगा तो आपके पेट में भी दर्द होता है। तो पेट दर्द को ठीक करने के लिए जो है प्रोटीन एम नाम का मेडिसिन आता है, ये दिया जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड जीरोडॉल स्पास के नाम से ये मेडिसिन आता है, इसे भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हम सिरप की बात करें फ्रेंड, इसमें सिरप भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, यूरिनरी अल्कलाइजर सिरप डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। करीब 10 ml आपको आधा गिलास पानी में डाल करके पीना होता है। और फ्रेंड्स अगर ये सभी मेडिसिन और ट्रीटमेंट जो मैंने आपको भी बताया, इन सभी से अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे तब आपको कुछ सीरियस यूटीआई इन्फेक्शन है, सीरियस यूटीआई डिजीज है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, तब आपको एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जो कि यूटीआई मतलब पेशाब के जितना वो है उसी के जो है डॉक्टर होते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं यूटीआई के, तो आपको यूरोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना है। वो आपको जो है अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे आपके इन्फेक्शन का, आपको अच्छे से वही बता पाएंगे कि आपका जो ब्लड आ रहा है यूरिन के रास्ते वो किस वजह से आ रहा है या फिर उसका क्या कारण है, और ट्रीटमेंट वही करेंगे। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस बस इतना ही है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना, ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है, कौन सी बीमारी में वो बीमारी कैसे हो रही है, साथ ही साथ जो बेसिक ट्रीटमेंट है बस उतना ही मैं बात करता हूँ। इस वीडियो के दौरान मैं आपको कोई भी ट्रीटमेंट या मेडिसिन सजेस्ट नहीं करता हूँ और नहीं कभी करूंगा, ओके। आपको एक अच्छे डॉक्टर को ही कंसल्ट करना है अगर ये सभी प्रॉब्लम आपको होता है तब, ओके। साथ ही साथ फ्रेंड्स अपने खान पान पे भी आपको ध्यान देना है, अगर आपकी यूरिन के रास्ते ब्लड आ रहा है तो आपको सबसे पहले फास्ट फूड वगैरह छोड़ देना है, जो भी आप तला भुंजा या ज्यादा तेल मसाला वाला अगर खाना खाते हो तो उसे इमिडिएटली छोड़ दो। अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हो तब उसको जो है उसे भी जो है आप छोड़ दो। साथ ही साथ फ्रेंड्स अपनी रूटीन में कुछ हेल्दी डाइट को फॉलो करो, इंक्लूड करो, साथ ही साथ योगा और मेडिटेशन को भी अपने डेली रूटीन में ऐड करो, ओके। आपके मन में और भी कोई सवाल है, सुझाव है या बवाल है तो प्लीज हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर आपका भी यूटीआई इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक में जो है यूरिन के रास्ते बहुत दिनों से ब्लड आ रहा है लेकिन आप जो है अनदेखा कर रहे हो, हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।